उनके लिए जो बेताल को नहीं जानते, 400 वर्ष पूर्व हुए दूर डंगाला के सागर तट पर समुद्री डाकुओं की लूट मार से जीवित बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति। अपने पिता के हत्यारों की खोपड़ी पर उसने शपथ ली, वह था पहला बेताल। अपना जीवन समुद्री डाकुओं और अन्याय को नष्ट करने में लगाऊंगा। पीढ़ियों से बाप के बाद बेटा बेताल होते आ रहे। लाखों जंगल वाले और समुद्र यात्री समझते थे कि वह आदमी है, अमर। चलता पिता प्रेत, आदमी जो मर नहीं सकता। अब 21वीं पीढ़ी का मौजूदा बेताल, जिसे सामना करना था अपने जीवन के सबसे हैरतनाक शत्रु से। आज अनजाना अंतरिक्षयान खास काम से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। हमारा स्काउट चल दिया, वह पहुंचा डिंकाली जंगल पर। जंगल वाले देखते ही रह गए। अब नहीं, असंभव, यह असली है, आंखों का धोखा। परीक्षण से हवा, पानी और गुरुत्वाकर्षण सब ठीक। वह ग्रह हमारे लिए ठीक है। अगर यहाँ के लोग लड़ाकू ना हो तो? लड़ाकू हुए तो हमें उतरने से पहले और जांच पड़ताल करनी चाहिए। उन लोगों ने कई जगहें देखी। उस ग्रह पर नगर, सागर, जंगल और उतरने के लिए जंगल ही ठीक है। तरह तरह के लोग देखे। इस ग्रह के लोगों में कितना अंतर है, एक ये देखो, दूसरे ये, ऐसे अजीब आदमी हैं सभी। हमारे ठीक नीचे इस तरह के, हमारा बहुरूपी इंजीनियर बना देगा ऐसे लोग आसानी से। तो बनाओ। बनावटी आदमी छोड़ा गया स्काउट यान में। लोग लड़ाकू न हुए तो हमारा शासन स्वीकार कर लेंगे, वरना मिटा देंगे इन्हें। स्काउट यान सही ठिकाने पहुंच गया। डिंकाली के बीहड़ में रहने वाले उस अजीब चीज को देखकर चकित रह गए। धीमे से उतरने के लिए पानी को चुना है, ठीक किया, वही है आदमी, नहीं यह नीची किस्म के हैं। स्काउट यान पानी से टकरा गया। जंगल वाले हैरान थे। जानवर किसी चीज से डर गए, हवा से, जलकुंड में, कुछ है उसके भीतर, हवा के बुलबुले, जिंदा। विशाल का हाथ देखकर ही उनका खून मानो जम गया और वे डर के मारे झटपट भाग खड़े हुए। बड़ा है, बहुत बड़ा, नीला। उधर आकाश में अंतरिक्षयान, इंजीनियर का बनाया हुआ नकली आदमी ग्रह पर पहुंच गया, पानी से निकला, फोकस के बाहर, फोकस ठीक है, नकल को देख रहे हैं, वे आदमी हैं। हाँ, नकली आदमी को हुक्म, पक्की जमीन पर जाओ। हुक्म मिला, जाता हूँ। चाचा, जलकुंड में विशाल का नीला सिर। खुराफात बंद करो, मुझे फुर्सत नहीं। खुराफात नहीं, सचमुच। क्या मजाक लगाया है? मजाक नहीं चाचा जी, खुद देखिए। जलकुंड में चाचा जी ने विशाल का दानों देखा। देखा चाचा जी? समझा, विशाल मूर्ति है? कौन होगा ऐसा जो इतनी बड़ी मूर्ति बनाए और यहाँ छोड़ जाए, बड़ी महंगी होगी। तभी नकली आदमी में हरकत हुई। चलो, हुक्म मिल गया, इसमें जान है। दूर के ग्रह वाले अपनी भूल समझ गए। बड़ा बना दिया हमने, बहुत बड़ा, रंग भी गलत। जीवित है, भागो, जान बचाओ। इस बीच बीहड़ मन में, जंगल में शांति है गुर्रन, कोई समस्या नहीं। तूफान से पहले शांति होती है महाबली। रेक्स, मैं तूफान को दौड़ाने ले जा रहा हूँ, तुम यहाँ निगाह रखना। जरूर। नमस्कार रेक्स। नमस्कार चाचा वॉकर। अच्छा रहा आज गर्मी है, दौड़ने के बाद जलकुंड चलेंगे। उधर दूर ग्रह के पानी अंतरिक्ष से देख रहे थे। भाग रहे हैं डर कर या औरों को बुलाने, नकली आदमी इतना बड़ा और रंग गलत,
दोनों अब बदले नहीं जा सकते, इसे ही काम में लो। नकली आगे बढ़े। वो मिल गया। जंगल भर में आतंक छा गया। भागो भागो। चाचा जी वो देखा, वो असली है। किसी शत्रु जादूगर ने तरकीब की है ताकि हम पागल हो जाएं। उधर अंतरिक्षवासी। बहुरूपी इंजीनियर, तुमने जबरदस्त गलती की। नकली आदमी चुना बड़ा बना दिया और रंग भी गलत। नकली चलो आगे बढ़ो। हुक्म मिल गया। ऑफ। हथियार उठाओ। यहाँ नहीं वहाँ, तालमेल नहीं बैठता, अभ्यास की जरूरत। अब ठीक है, झाड़ियों में कुछ चल रहा है, उसे पकड़ो। कौन है? आदमी है? नहीं, कोई जीव। हाँ? वह बोलता है, सिर्फ आवाज, छूटना चाहता है। जहाँ का तहाँ रख दो। पीछा करो, देखो कहाँ जाता है। ओह, अभ्यास की जरूरत। इस बीच जंगल में लोग। हमें लगा कि दानव जैसा है। पेड़ जितना बड़ा नीला। पेड़ जितना बड़ा दानव, इन्होंने देखा। नीला पेड़। क्यों हंसते हो? हंसी की क्या बात है? ये पागल हो गए हैं, इन्होंने दानव देखा है। वो भी नीले रंग का। दानव नीला। दानव हथियार निकालो, फाटक बंद करो, भागो। और दानों को हुक्म मिलते जा रहे थे। नष्ट कुछ मत करो, समझाओ बुझाओ। हुक्म मिल गया। यह स्वागत है, नहीं मुकाबला है। हथियार इस दानव पर व्यर्थ है, मदद मांगो। उगान में नीला दानव मदद। संदेश नगाड़ों पर उड़ चला। उगान में नीला दानव मदद। मदद उगान में नीला दानव। यह संदेश गड़बड़ है या मैं सुन गलत रहा हूँ? उगान गांव में जहाँ से संदेश भेजा जा रहा था। उगान में नीला दानव मदद। दानों ने रोज जताया, ये सामना करेंगे, नष्ट कर दो। हुक्म मिल गया। वो चला गया। उधर वेताल उगान गांव पहुंचा। लगता है जैसे तूफान आया है। बर्बादी ही बर्बादी, लोग कहां गए? वेताल वेताल, सचमुच कोई नीला दानव आया था? हाँ, देख लो महाबली। वह कितना बड़ा है? हमारी दीवारों से दुगना। कम से कम उधर से गया दीवार के आर पार। पैर का निशान इतना बड़ा, जल्दी कुछ करना होगा। हम भी चलते हैं। इतने बड़े बड़े निशान छोड़े हैं कि पीछा करना आसान है। कहीं पास में ही है। हुक्म अंतरिक्ष से। तुम्हारे पीछे कुछ है, घूमो। यह क्या है? दो सिर चार टांगे, अजीब जीव। तुम कौन हो? वह आदमी है, किसी पर सवार, नाश कर दो। हुक्म मिल गया। दोस्त या दुश्मन, समझते हो मेरी बात? हथियार चलाओ जैसे आदमी चलाते हैं। हुक्म मिल गया। दोस्त नहीं। चूक गया, अभ्यास की जरूरत। भाग गया, बड़ी जल्दी डर जाते हैं आदमी, इस ग्रह को जीतना आसान है। ऐसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा, पर जितने बड़े हों गिरते उतने ही जोर से हैं। इस बीच दूसरे ग्रह वाले बहस करने में लगे। क्या हुआ? आदमी हमारे नकली आदमी पर कूदा, बित्ता भर का आदमी हमारे दानों से कैसे लड़ेगा? दानों को हुक्म का इंतजार था। आदमी का नाश करो। हुक्म मिल गया, नाश कर दूंगा। कठोर ठंडा चिकना कौन सा प्राणी है यह? ओह, जैसे धातु। क्षण भर को वह बेसुध हो गया। दैत्य का पैर उसे कुचलने को हुआ, तभी अंतरिक्ष से हुक्म आया,
तुम्हारे पीछे। हाँ? उफ, क्षणभर को बेहोश हो गया। तूफान, थोड़ा पीछे चलो। अब धावा, पलांग। हाँ? वीताल और दानव आगे हैं, उसे मदद चाहिए। वे रहे। किसे चाहिए मदद? नीला दानव घोड़े और आदमी के धावे से गिर पड़ा और फट गया। फिर नीले दानों के भीतर से, भागो, अपने यान को भागो। अजीब प्राणी निकल पड़े। शेरा, पीछा करो। यह मुसीबत आखिर है क्या? आसमानी मुसीबत, वेताल। क्या वेताल को मदद चाहिए? ये क्या देख रहे हैं हम? ये है क्या? पता नहीं, ऐसी अनोखी चीज कभी देखी नहीं। दानो सचमुच था? कुछ पता नहीं, चाहता हूं कि पता लगाओ। यान है किसी तरह का। ओह, सब पीछे हट जाओ फौरन। उड़ने वाला यान, इसमें चीजें क्या है? अजीब प्राणी, नीला दानो धातु का, किसी ऐसी चीज का है। अरे, अपने आप आंख पकड़ ली। जो आप ही नष्ट हो जाते हैं, उन छोटे छोटे प्राणियों ने बनाया। स्काउट लौट रहा है, आओ स्काउट। नकली आदमी नष्ट हो गया, हमारे आने का कोई निशान ना रहे। इस ग्रह के लोग उसी आदमी जैसे हैं। जीतने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम कोई शांतिपूर्ण ग्रह खोजेंगे। नीले दानों के बारे में सुना सबने, पर वह था क्या? मैंने बहुत विचार किया गुर्रन, पर कुछ समझ में नहीं आया।